क्या सोच रहे हो, उसका नेट घटिया और भाई इसकी मौली इससे भी ज्यादा घटिया है, पर ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसा किया सिचुएशन को इंटेंस बनाने के लिए। हाँ तो गाइज आज अपन लोग यहाँ पर उतरे थे, ये जो अपना ये जो अपार्टमेंट है ना यहाँ पर, और जैसे अपार्टमेंट में यहाँ पर उतरूंगा तो उसके बाद यहाँ पर तुम लोग बोलोगे कि यार क्या बकवास खेल रहा है, क्योंकि यार यहाँ पर मेरे को दो बॉट मिले थे, तो यार मतलब बॉटों की पेटी बनाने के बाद यार ऐसा सीन दिखाऊंगा ना कि इसके बाद तुम यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओगे। तो यार पहला तो पहले इस बॉट को मारते, तो देखो यार पहले इसको Watch out. अब बड़ी देर से यहाँ पर घूमते फिरते भाई, घूमते फिरते जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि एक और बॉट यहाँ पर दिखता, तो जल्दी जल्दी से उसकी भी यहाँ पर पेटी बनाते हैं, जो कि हमारे को दीवार के नुक्कड़ में मिलता है। देखो यहाँ पर Enemies ahead. तो गाइज यहाँ पर बॉटों की पेटी बन चुकी है, और इसके बाद ये जो मेरे घर आप सामने देख रहे हैं इसके अंदर भाई मैं लूट करने के लिए जाता हूँ, और भाई हमारे सामने वाले अपार्टमेंट में इतनी देर में या तो बंदे थे या तो बंदे आ जाते हैं उसमें, वो भी पूरे के पूरे चार, और उसके बाद भाई सिचुएशन क्या ही मज़ेदार और क्या ही खतरनाक होने वाली थी मेरे लिए कह सकते हैं। तो देखो आगे फिर क्या होता है। Mark the location. Attack the mark. अब जैसे खिड़की से बाहर निकलता हूं तो भाई गोलियां पड़नी चालू हो जाती है, मैं सोचता हूं कि भाई कहां से और क्यों और कैसे, लेकिन जैसे तैसे भाई खुद को बचाता हूं, लेकिन इतने में भाई चार नंबर की सीधा यहां पर पेटी डाल दी गई, तो यार उसका भी बदला यहां पर मुझे ही लेना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ यहां पर भाई शायद हमारे रैंडम टीममेट को जुकाम हो रहा होता है, भाई पूरे माइक के अंदर ही खांस और छींक रहे होते हैं। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, आगे देखो भाई मतलब क्या होता है, और सुनते जाओ क्या होता है। देखो अब जैसे ही पहला बंदा नॉकआउट हो जाता है तो मैं अंदर घुस जाता हूं, और अब देखना क्या ही सीन होगा 1v4 का। तो दोस्तों इस सीन को देखने के बाद यहाँ पर तुम लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और यार कमेंट में मुझे यह बताना कि कैसा लगा तुम्हें यह सीन, और इसी के साथ साथ अगर कुछ पूछना हो और अगर कुछ बताना हो तो कमेंट जरूर करना। तो चलो अब आगे की बात करते हैं। आगे का ये सीन होता है कि इसके बाद यहाँ से मैं जैसे बाहर निकलता हूँ तो एक और शायद बॉर्ड भैया ही होते हैं मेरे ख्याल से, तो भाई देखो उनका क्या सीन करते हैं। तो इसी के साथ साथ बहुत ही आसानी से इनकी पेटी बनाते हुए इनकी पेटी को फिर मैं लूटने के लिए जाता हूँ, और भाई लूटने के बाद जैसे मैं स्कूल की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता हूँ तो एक बंदा भाई मेरे को भगता हुआ दिखता है, जो कि स्कूल के अंदर घुसने ही वाला होता है, कि पीछे से मैं उसे पकड़ लेता हूँ। देखो इस सीन को भी तुम। अब हमारे ये वाले जो भैया होते हैं ना, ये शायद हिस्ट्री चैनल के भाई पॉन स्टार के बहुत बड़े फैन होते हैं शायद, क्योंकि यार यहाँ पर इन्होंने अपना नाम पॉन शॉप करके कुछ रखा होता है, तुम देख लेना यहाँ पर खुद। तो भाई इनका तो यहाँ पर खात्मा हो गया, और इसके बाद यहाँ पर भाई मैं थोड़ा जो है स्कूल के जो हॉल होता है उसके अंदर लूटा पार्टी करता हूँ, और लूटने के बाद यहाँ से भाई सीधा बग्गी को लेकर के भाई इधर उधर घुमाने लग जाता हूँ, और भाई बग्गी को घुमाते घुमाते अब ऐसा सीन होने वाला है ना कि इसके बाद अगर अभी भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर करोगे भाई। यहाँ पर मतलब एक और क्लच तुम्हें देखने मिलेगा भाई, पूरे के पूरे गाड़ी भर के चार बंदे होते हैं, तो देखना भाई तुम्हारा भाई उनको कैसे लपेटेगा। तो भाई देखो यहाँ पर जब घूम ही रहा होता तो बंदे आते हैं, बंदर
कैसा लगा? मजा आया ना? मुझे पता है मजा आया होगा। तो यार अभी के अभी यहाँ पर तुम लाइक का बटन जरूर दबा दो, और चैनल को यार अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मतलब कैसे इंसान हो यार, अब तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताना भाई ये वाला क्लच कैसा लगा। तो इसी के साथ साथ अब यार इन दोनों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। जब मेरा यहाँ पर क्लच हो जाता है ना, तो ये दोनों बंदे जो रैंडम है भाई, मतलब तब आते हैं यहाँ पर भाई लूटा पार्टी करने, लूटा पार्टी जो भी कहते हैं। तो मतलब इनके भी एकदम गजब ही सीन है। खैर छोड़ो, इसके बाद यहाँ से हम गाड़ी में बैठते हैं, और गाड़ी में बैठने के बाद भाई मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं बंदों की तलाश में कि भाई पोचंकी के जंगलों में जा करके एक घर होता है, घर भी नहीं होता, झोपड़ा होता है, उसके अंदर भाई मतलब वहाँ पर दो बंदे होते हैं। तो वहाँ पर के क्या सीन होते हैं जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, चलो देखते हैं। और हाँ मैं बता दूँ, ये जो तुम मेरी किल अभी देख रहे हो ना कि 12 से 13 हो गई, तो बीच में एक और बॉट मिला था तो उसका सीन यहाँ पे काट दिया। Marked a location. अब जैसा कि तुम यहाँ पर देख रहे हो कि भाई यहाँ पर मेरी दो किल होने वाली थी, लेकिन एक किल यहाँ पर भाई मेरे रैंडम टीममेट ने टपा ली, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर जैसे ही मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो ये बंदा मौली कर रहा होता है। हमने कहा अच्छा बेटे, तो यहाँ पर हमने सीधा इसको नॉकआउट कर दिया, और उसके बाद सीधा इसको उठा करके इस कमरे में पटक देते हैं, इस इंतजार में कि अगर यहाँ पर कोई और भी इसका बंदा होगा तो इसको बचाने शायद आए और हम उसकी यहाँ पर पेटी डाल दें। लेकिन अंत में यहाँ पर भाई कोई भी नहीं आता और इसको कोई भी नहीं बचाने आता। हाँ तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ये जो छत होती है ना, इस पे छत पे चढ़ जाता हूं, और आगे की तरफ मेरे को मतलब एक बंदा दिखता है कि बॉट दिखता है, वो तुम खुद देख लो। तो गाइस कुल मिलाकर के यहाँ का सीन क्लियर होने के बाद हम यहाँ से भाई आगे की तरफ निकल जाते हैं। हम मिलिट्री के ब्रिज के पास भाई थोड़ा वेट करते हैं, और वहाँ पर भाई वेट करते करते पता चलता है कि भाई सामने वाले घर में जो नीचे वाला पुल के पास जो घर होता है उसमें बंदे आ चुके हैं। और भाई एक बंदा ना मतलब पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है यार अचानक से, और भाई मेरी पेटी बनते बनते बची, और भाई मतलब क्या ही सीन होते हैं वहाँ अजीब अजीब से, देखना तुम। Watch out! Marked a location. ऊपर से। अब पता नहीं ये बंदा अचानक से कहां से मुंह पे सीधा घुस गया, लेकिन जैसे तैसे बच गया। अब यहां पर भाई और भी उल्टे सीधे सीन होने वाले हैं, देखते जाओ। क्या सोच रहे हो, उसका नेट घटिया और भाई इसकी मौली इससे भी ज्यादा घटिया है, पर ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसा किया सिचुएशन को इंटेंस बनाने के लिए। हाँ 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 पता है झूठ बोल रहा हूं, लेकिन अब आगे तो देखो। पगो 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 पता है क्या, जब दो नेड़ के तुक्केबाज नेड़ फेंक रहे होते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। भाई मेरे पार्टनर ने मेरे बाजू में नेड़ फेंक दिया, लेकिन जैसे तैसे बच गया, और अंत में मेरा तुक्का लगते हुए इस बंदे की यहाँ पर पेटी बन गई। लेकिन इस बंदे ने एक अच्छा काम यहाँ पर किया कि भाई इसकी पेटी में मुझे यहाँ पर AWM मिल जाती है, और इसके बाद इतने में जितने में पेटी को लूट ही रहा होता हूँ कि मैक्लेरन की आवाज़ आती है, और उसमें एक बंदा होता है, और उसमें भाई जो बंदा होता है उसकी पेटी दो नंबर बना देता है। लेकिन फिर एक और गाड़ी की आवाज़ आती है और उसमें एक और बंदा होता है, और भाई उसके बाद क्या होता है देखो, क्या सीन होते हैं।
अब भाई वो जो पहला वाला बंदा होता है उसकी तो पेटी नहीं बना पाता, पर जैसे ही दूसरी गाड़ी की आवाज़ आती है तो उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि बंदा आगे की तरफ ही है और उस टावर में बैठा है। तो यहाँ पर मैं एकदम हार्ड स्कोप लेकर के बैठ जाता हूँ कि भैया तू थोपड़ा दिखा अपना, और जैसे ही दिखाता है तो क्या होता है। लाइक का बटन दब जाना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और कमेंट में बताना कि भाई कैसा लगा है सीन। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भाई मतलब क्या ही बोलो, मुझे तो यहाँ पर खुद मजा आ गया और उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम्हें भी यहाँ पर मज़ा आया होगा। अब आगे के ये सीन होता है कि भाई यहाँ से सीधा गाड़ी को उठा करके भाई फेरी के पास निकल जाते हैं, और भाई वहाँ पर जब निकल जाते हैं ना तो बहुत देर तक भाई इंतज़ार करते रहता हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा था, बड़ी शांति सी थी। लेकिन सागर किनारे एक बंदा मुझे मतलब पता नहीं क्या ही करते हुए दिखता, तो AWM काम आती है अपनी, तो देखो क्या सीन थे वो। अब मैं बड़ी देर से इधर उधर देख रहा होता हूँ कि भाई कोई दिख ही नहीं रहा होता, लेकिन जब सागर किनारे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई पता नहीं ये क्या दिख रहा है, लेकिन जब ध्यान से देखता हूँ तो बंदा था, तो सीधा पट से हेडशॉट दे दिया और यहाँ पर इसकी पेटी बन गई। और इतने में भाई ये जो गाड़ी वाला आप यहाँ पर देख रहे थे मतलब ये आया था ड्रॉप लूटने, लेकिन यहाँ पर हमारे दो नंबर भैया ने इसको नॉकआउट कर दिया और मैंने इसकी यहाँ पर पेटी बना दी। और इसकी पेटी बनाने के बाद भाई हम सीधा यहाँ से गाड़ी को लेकर के भाई मतलब इसी की गाड़ी को लेकर के आगे की तरफ निकल जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर भी भाई थोड़ा इंतज़ार करते रहते हैं पर कोई भी दिख ही नहीं रहा था। लेकिन अंत में ना एक मैक्लेरन खड़ी होती है और उसमें से भाई मुझे मतलब बंदा उतरते हुए दिखता है, तो उसके बाद क्या होता है चलो मिल करके देखते हैं। अब दूर से तो भाई कुछ भी नहीं उखाड़ पाया क्योंकि भाई टाइम पर कोई दिखा ही नहीं, वरना पट से हेडशॉट दे ही देता। खैर इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ रहा होता और देख रहा होता कि कोई बीच में दिख जाए, लेकिन इसके बाद यहाँ पर भाई मतलब क्या ही सीन होंगे, यहाँ पर पेटी बनते बनते मेरी बचेगी, मतलब बार बार देखना यहाँ पर मतलब क्या ही सीन हो जाते हैं। अब भाई ये दोनों भी एकदम कमाल के थे भाई, बॉम्ब फेंके जा रहे पूरी गाड़ी उड़ा दी, लेकिन जैसे तैसे भाई तुम्हारे भाई ने यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल कर लिया और इन दोनों की पेटी बन गई। अभी भी अगर तुम्हें लाइक का बटन नहीं दबाना है ना तो अब एक सीन दिखाता हूँ तुम्हें, मतलब क्या ही सीन था यार, कैसे बचा मैं देखना तुम। चिकन डिनर तो हुआ नहीं, लेकिन यह मुर्गी इतना चौंचौ क्यों कर रही है। मतलब देख रहे हो क्या ही बचा मैं, अगर यहां पर ड्रॉप शॉट नहीं देता ना तो पेटी बनना तो एकदम तय थी। अब आगे देखो। खैर मार्क द लोकेशन, वॉच आउट। अब ये जो मुर्गी इतनी देर से चौंचौ चौंचौ कर रही थी ना, शायद वो हमें यही बता रही थी कि तुम्हारा चिकन डिनर तो यहाँ पर होना एकदम तय ही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भिन्नर भिन्नर मुर्गी डिनर हो चुका है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो एंड होने वाली है, अब तो लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, और कमेंट में यार खुद ही बताना कि वीडियो कैसे लगी, और कुछ पूछना हो कुछ बताना हो तो ज़रूर बता देना। और इसी के साथ साथ यार मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि मतलब क्या ही मतलब मज़ा आया यार, क्या ही बताऊँ, मतलब कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, फिर भी मैं जानबूझ के बकवास करे जा रहा हूँ। तो यार चलो वीडियो को एंड करते हैं, तो अब मैं अपनी लास्ट वाली लाइन बोलता हूँ कि यार कुल मिलाकर के आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, टाटा सायोनारा
बाय बाय। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time.